ट्वेल्थ फिजिक्स में अगर हम ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात करें तो यूनिट चार में हमारे पास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो जवाब होगा माइकल फेराडे ने। हालांकि फेराडे ने विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र ट्रांसफार्मर आदि कई खोजों का श्रेय हम माइकल फेराडे को दे सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमें पता है विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स का मान फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अगर वेक्टर में लिखें तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। इसका विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, और इसका एसआई मात्रक है वेबर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये। स्वप्रेरण की खोज की जोसेफ हेनरी ने, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए माइकल फेराडे ने। जब भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण शब्द आए आप माइकल फेराडे याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और फेराडे के जो नियम थे, दो नियम उन्होंने दिए, और दूसरे नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र उसकी सहायता से निकलता है वो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, जिसमें एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या है। इनको अगर आप बढ़ा देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ा सकते हैं। लेंज का नियम किसके अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। और लेंज के नियम से याद रखिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या ध्रुवता का निर्धारण हो सकता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल बी एल वी वो को गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। फिर इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भंवर धाराओं की खोज तो फूको ने की, और इन्हें फूको धाराएं भी कहते हैं। और भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है। रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, प्रेरण भट्टी में, और विद्युत शक्ति मीटर में, जो हमारे घरों में जो विद्युत मीटर लगे होते हैं तो उसमें भंवर धाराओं का उपयोग होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, और भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं उनकी घूर्णन आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। पक्षियों के प्रवसन का कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो सकता है, और स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व जो होते हैं, अन्योन्य यहाँ शब्द इस्तेमाल कर लीजिएगा, दोनों का मात्रक हेनरी है, और दोनों के विमीय सूत्र समान है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, और प्रेरकत्व एक अदिश राशि है। मेरे विचार से इतने ऑब्जेक्टिव में आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।